हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज द यूट्यूब वो विद। T20 सीरीज के बाद अब बारी है वनडे मुकाबलों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से वनडे सीरीज शुरू हो रही है, जिसका पहला मुकाबला कल सुबह 7 बजे से ऑकलैंड में खेला जाएगा। भारतीय टीम में गब्बर की वापसी हो रही है, जबकि केन एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम में वापस आ रहे हैं। ऐसे में काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मुकाबले की बात इन न्यू अंदाज। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, टॉपिक्स भी बताएंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये जो मुकाबला है ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाने वाला है, जहां की विकेट बैटर्स और बॉलर्स को इक्वली फेवर करती है। बैटर्स रन भी करते हैं, ऑन अदर हैंड विकेट्स भी गिरते रहते हैं। यहां पर खेले गए 74 वनडे मुकाबलों में सिर्फ 5 बार 300 प्लस का स्कोर बनाया है, बाकी 69 टाइम्स 300 से नीचे का स्कोर बना है। मोस्ट प्रोबेबली 250 के आसपास का स्कोर यहां पर देखने को मिलता रहता है, और इस मैच में भी मुझे यहां तक लगता है कि 270 के आसपास का टोटल देखने को मिल सकता है। इस विकेट पर स्पिनर्स की तुलना में पेसर्स बहुत ज्यादा सफल साबित होते हैं। आइए अब टीम प्रीव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजबान की, यानी कि न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की टीम में एक बार फिर से कप्तान केन वापसी कर रहे हैं, जो कि तीसरा T20 मुकाबला नहीं खेले थे। फिन एलन की जगह डिवोन कॉनवे आ रहे हैं, वहीं ब्रेसवेल भी टीम में वापस आ सकते हैं, जिनके आने से इनकी बैटिंग स्टेबल हो जाएगी, लोअर ऑर्डर मजबूत हो जाएगा। अगर हम न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पर नजर तो इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा इन फॉर्म, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नजर आ रही है। डिवोन कॉनवे तो पहले से ही फॉर्म में थे, अब इनका साथ निभाएंगे टॉम लैथम, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा खेल कर आ रहे हैं। केन विलियमसन भी लगातार रन कर रहे हैं, हर मैच में 40-40, 50-50 रन कर आ रहे हैं। वहीं फिलिप सॉल्ट ने भी आखिरी T20 मुकाबले में अर्धशतक लगाया था। मैट हेनरी के टीम में आने से इनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि टीम साउदी और लुकी फर्गूसन लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं टॉप पिक्स की, की प्लेयर्स की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से हमारी पहली पिक है टॉम लैथम। बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, साथ ही साथ इंडिया के खिलाफ हमेशा ही अच्छा खेलते हैं। 16 पारियों में 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वहीं हमारी दूसरी पिक न्यूजीलैंड की तरफ से है कप्तान केन विलियमसन, जो कि लगातार डिसेंट पारियां खेल रहे हैं। वहीं इंडिया के खिलाफ ये भी अच्छा खेलते हैं और 25 पारियों में 900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से हमारी अगली पिक है ब्रेसवेल, जो कि लगातार 2-2, 3-3 विकेट ले रहे हैं, और अगर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो इनकी बैटिंग भी जल्दी आ सकती है और ये रन करके दे सकते हैं। मैट हेनरी भी हमारी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि आजकल 4-5 विकेट से नीचे तो डील ही नहीं कर रहे हैं, और इंडिया के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 6 पारियों में 14 विकेट ले चुके हैं। टीम साउदी तो हमारी टीम का हिस्सा होंगे भी, ये भी हमारी टॉप की प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल है, जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आइए अब बात करते हैं भारतीय टीम की। तो भारतीय टीम में कप्तान गब्बर की वापसी हो रही है, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की टीम से छुट्टी हो गई है, उनको आराम दिया गया है। साथ ही साथ संजू सैमसन की भी टीम में वापसी हो सकती है, फाइनली उन्हें मौका मिल सकता है। और वैसे भी ऋषभ पंत का हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर हम नजर डालें तो भारतीय टीम का टॉप 4 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा बैटिंग में कुछ खास दमखम नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से टॉप 4 में भी सुरेश अय्यर के लिए T20 सीरीज अच्छी नहीं गई थी, ऐसे में बैटिंग का पूरा दारोमदार गब्बर गिल और स्काई पर रहने वाला है। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप और दीपक चहर ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हालांकि यूजी ने भी दूसरे T20 मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की तुलना में भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आ रही है। वहीं भारतीय टीम का बैटिंग उतना ज्यादा डीप नहीं है, तो बैटिंग का डीप ना होना इनकी कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। बात कीजिए अगर इंडिया की तरफ से टॉप पिक्स की, तो इंडिया की तरफ से हमारी पहली पिक है कप्तान गब्बर, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छा खेले हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा खेलते हैं। वहीं हमारी दूसरी पिक है स्काई, और इन्हें क्यों पिक करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्राइम टाइम चल रहा है इनका, और एक बार फिर से ग्रीन पार्क में स्काई के छक्कों की गूंज हमें सुनाई दे सकती है। वहीं हमारी तीसरी पिक है श्रेष्ठ अय्यर, जिनके लिए T20 सीरीज तो अच्छी नहीं गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में बहुत ही अच्छा खेलते हैं और सिर्फ 3 पारियों में ही 270 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक भी शामिल है। वहीं इंडिया की तरफ से हमारी अगली पिक है अर्शदीप, जिन्होंने आखिरी मुकाबले में 4 विकेट लिया था, साथ ही साथ इस विकेट पे अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, यहाँ की विकेट इनकी गेंदबाजी स्टाइल को सूट कर सकती है। वहीं दीपक चहर भी हमारी टॉप पिक्स की लिस्ट में शामिल है। तो आज की हमारी फैंटेसी टीम आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसकी कप्तानी की जिम्मेदारी हमने मैट हेनरी के कंधों पर सौंपी है, साथ ही साथ स्काई इस टीम के वाइस कैप्टन है। बाकी फाइनल अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो 90% टाइम क्लीन स्वीप करता है और प्रॉफिट में ही रहता है। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी वहां पर कवर किया जा रहा है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात की जाए अगर फाइनल प्रेडिक्शन एंड पॉसिबल आउटकम की, तो मुझे लगता है कि ये जो मुकाबला है न्यूजीलैंड की टीम जीत सकती है। जी हां, अकॉर्डिंग टू मी न्यूजीलैंड में बी द विनर ऑफ दिस मैच। बाकी ये तो मेरा प्रेडिक्शन है, आपका नहीं। आपका प्रेडिक्शन क्या है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे।